दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आप सभी का फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम चल रहा है और फर्स्ट टर्मिनल का मेन वायरल प्रश्न जो है एकदम रियल प्रश्न है ना हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो आज इस प्रश्न पत्र में हम टोटल के टोटल 60 MBBI जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की बताऊंगा, ठीक है, एकदम राइट आंसर की बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो को क्या करना है, एकदम ध्यान से अच्छे से देखना है ताकि आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। इससे पहले प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए। देखिए आपसे प्रश्न पूछा हुआ है, पहला एकदम रियल प्रश्न है, ठीक है, कोई फेक प्रश्न नहीं है। पहला प्रश्न कह रहा मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, तो पंच मंत्र है, यानी पांच को मंत्र है, कितना मंत्र है, पांच में। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए कह रहा सत्य का मुख किस पात्र से ढका होता है, तो सत्य का मुंह हिरमने पात्र से ढका होता है, करेक्ट आंसर आपका क हो जाएगा, याद रखेंगे। काफी कमाल का क्वेश्चन है, सारे आंसर की आप सभी को देखकर अच्छे से एग्जाम देने जाना है, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है वेदाहमेंत पुरुषमा महांतम विद्यट विद्यांत यानम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया, तो यह किस उपनिषद से लिया गया, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वेतासुपनिषद उपनिषद से, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है मेघासनी पटना किसके समय आया था, तो मेघासनी ने पटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, किसके समय आया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है पाटल पुष्पों को पुतलिका रचना के अनुसार पटना का कौन सा नाम है, तो पाटलिपुत्र, पाटल पुष्पों के पुतलिका के अनुसार पटना का कौन सा नाम है, तो पाटलिपुत्र नाम है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठे नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, तो पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, तो छठे का करेक्ट आंसर गुप्त वंश काल में ही कब मनाया जाता है, गुप्त वंश काल से ही मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए अगला कह रहा है सातवां नंबर प्रश्न आपसे पाटलिपुत्र पटना के पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था, तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था, तो यह ना मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ था, कब हुआ था, तो मध्यकाल में यह प्रसिद्ध हुआ था, याद रखेंगे। काफी VBI सारे प्रश्न है और सारे प्रश्नों को आपको क्या करना है आंसर की अगर लिखना चाहते तो लिख लेंगे, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट का फोटोकॉपी करा लेंगे, या आप यह भी कर सकते हैं एक छोटा सा पेज में लिख कर लेकर जाएंगे और डायरेक्टली क्या करेंगे वहां पे छाप कर चले आएंगे, ठीक है। और एक बात और मैं बता दूं, बहुत सारे जिला में ना अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन रहते, फिर भी आपको क्या करें इन सारे प्रश्नों का आंसर है ना अच्छे से देख लेना, इसलिए देख लेना है ताकि आपके एग्जाम में भी है ना हर एक जिला से अलग अलग क्वेश्चन रहता है, फिर भी है ना हर एक क्वेश्चन पेपर से 20 को 30 को क्वेश्चन है ना टकरा ही जाता है, तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। करे विदेश्वर कौन था, तो मिथिला का मंत्री था, कौन था, विदेश्वर मिथिला का मंत्री था। नौवां नंबर प्रश्न देखिएगा अलस कथा में आग क्यों लगाई गई, तो अलस कथा में जो आग लगाया गया था यह आलसियों की परीक्षा के लिए, किसके लिए लगाया गया था, तो आलसियों की परीक्षा के लिए लगाया गया था। दसवां नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी, तो मैत्रेयी को दी थी, करेक्ट आंसर आप लोग ए लगा कर आएंगे। ग्यारह नंबर प्रश्न कह रहा है सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया था, तो आपको है ना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डंडे सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया था, तो आपका करेक्ट आंसर याज्ञवल्क्य को हो जाएगा, ठीक है, डंडी को नहीं होगा, याज्ञवल्क्य होगा, या करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, याद रखेंगे। ये काफी कमाल का क्वेश्चन है, इस प्रश्न पे है ना सब्जेक्टिव प्रश्न का जो मैं PDF दिया हूँ, अगर सब्जेक्टिव प्रश्न का PDF नहीं देखे तो टेलीग्राम ग्रुप का नेम सर्च करेंगे, जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हो उसी चैनल को नेम सर्च करेंगे, या चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न की कह रहा है गंगा देवी का समय क्या था, तो गंगा देवी का समय क्या था, तो 12 नंबर प्रश्न आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12वीं सदी क्या हो जाएगा, 12वीं सदी। 13 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन थी, तो आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन थी, तो 13 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पंडित क्षमा राव, क्या हो जाएगा, पंडित क्षमा राव करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसके गीत देवता भी गाते, किसके गीत देवता भी गाते, तो भारतवर्ष की, क्या हो जाएगा, भारतवर्ष के गीत है ना देवता भी गाते, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी, जो 15 नंबर प्रश्न पूछा हुआ प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है, तो प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संस्कारों से होती है, क्या होता है, संस्कारों से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर प्रश्न का है सिमंतोनन ने किस प्रकार का संस्कार है, सिमंतोनन ने किस प्रकार का संस्कार है, तो 16 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ख लगाकर सैसव संस्कार, क्या है, यह एक प्रकार का सैसव संस्कार, याद रखेंगे। 17 नंबर संस्कार कुल कितने होते हैं, तो 16 होते हैं, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में बांटा गया, इससे भी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आते बनते हैं। देखिए 17 नंबर प्रश्न का है प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, तो 17 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ख कहा जाता था, ब्रह्मचारी, क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी कहा जाता था, याद रखेंगे। 18 नंबर प्रश्न देखिए काफी कमाल का प्रश्न, यह भी पूछा हुआ है नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो नीति श्लोक किस ग्रंथ से संकलित है, तो विदुर नीति से, क्या हो जाएगा, विदुर नीति से। 18 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी से पूछा हुआ है 19 नंबर प्रश्न स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था, तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम आपसे पूछ रहा है, तो 19 नंबर प्रश्न का आप सभी करेक्ट आंसर क्या लगा करेंगे, 19
19 नंबर का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मूल शंकर हो जाएगा, ठीक है, मूल शंकर करेक्ट आंसर। स्वामी दयानंद सिंह जी का बचपन का कहना था मूल शंकर। 20 नंबर प्रश्न, मंदाकिनी वर्णम पाठ में पाठ के कवि कौन है, तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन हो जाएंगे, तो 20 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर आपका ग हो जाएगा, वाल्मीकि, क्या हो जाएगा, वाल्मीकि करेंगे, मंदाकिनी वाल्मीकि व्यास, हाँ ठीक है यही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न की कराए, व्याघ्र पथिक कथा, व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो नारायण पंडित, क्या हो जाएगा, व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो नारायण पंडित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर प्रश्न कर रहा है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो 23 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, गौतम, क्यों हो जाएगा, गौतम हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न आपसे देखिए कह रहे हैं, आर्यभट्टम किसकी रचना, आर्यभट्टम किसकी रचना है, तो 24 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का करेक्ट आंसर आपका घ हो जाएगा, आर्यभट्ट की, क्या हो जाएगा, आर्यभट्टम किसकी रचना है, तो आर्यभट्ट की ही रचना है। 25 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निर्मलम का संधि विच्छेद आपसे पूछे, तो 25 का करेक्ट आंसर आप सभी क्या लगा कराएंगे, 25 का करेक्ट आंसर आप सभी ग लगा कराएंगे, क्या लगा कर, गर लगा कर, निर प्लस मल्लम निर्मलम हो जाएगा, ठीक है, सॉरी निर्मलम हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है, मंगलम कहाँ से संकलित किया गया, तो मंगलम कहाँ से संकलित किया गया, तो 29 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेद से, पुराण से, उपनिषद से, या वेदांग से, तो वेद से सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी से, 27 नंबर प्रश्न कर रहा है, अनुरण्यान महतो महत्यामांत मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है, तो आपका है ना 27 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, वो कठोपनिषद से, क्या हो जाएगा, कठोपनिषद से हो जाएगा। देखिएगा वो 26 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है, तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है, आपका करेक्ट आंसर 26 का करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। काफी कमाल का ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे भी से कह रहा हूं, 29 नंबर प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, महान से भी महान क्या है, तो महान से भी महान आत्मा है, महान से भी महान क्या है, तो आत्मा है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए आप सभी से कह रहा है, 30 नंबर प्रश्न, किसकी विजय नहीं होती है, तो सत्य की विजय नहीं होती, किसकी विजय, सॉरी किसकी विजय नहीं होती है, यहाँ पर पूछ रहा है, तो किसकी, सत्य की तो विजय होती है, ठीक है, असत्य की विजय नहीं होती, किसका, असत्य, सत्य और असत्य दोनों की विजय नहीं होती, धर्म की विजय नहीं होती, सत्य की, असत्य की विजय नहीं होती, ठीक है, आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर ख हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, 2000 वर्ष नहीं, 31 का आप लोग करेक्ट आंसर क्या लगा कराएंगे, 31 का करेक्ट आंसर आप सभी 2500 वर्ष पुराना है, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, कुटिंतम काव्य के कवि कौन है, कुटिंतम काव्य के कवि कौन है, राजशेखर दामोदर गुप्त, विशाखादत्त, या कालिदास, कुटिंतम काव्य के कवि कौन हो जाएंगे, तो 32 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, दामोदर गुप्त, क्या हो जाएगा, दामोदर गुप्त। 33 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी से पूछा गया था, काफी कमाल का सारे प्रश्न, सारे प्रश्नों का आंसर आप सभी को बड़ा ही अच्छा से देखना पड़ेगा, 2 से 3 बार इस वीडियो को देखेंगे ताकि आपका हर एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाए, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न, यूनान का राजदूत कौन था, तो यूनान का राजदूत कौन था, मेघास ने। मैं बहुत फास्ट बोलता, बहुत सारे बच्चे बोले हुए थे, इसलिए आज थोड़ा सा स्लो में आप सभी को करवा देता हूं ताकि आपको समझ में आए, संस्कृत है इसलिए थोड़ा स्लो भी जरूरी था, ठीक है। कह रहा है देखिएगा आप सभी से, 34 नंबर, निरोत्तम भवतः में कौन संधि, निरोत्तम भवतः में कौन सा संधि है, तो 34 नंबर प्रश्न का आप सभी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, पूर्व रूप संधि, क्या हो जाएगा, पूर्व रूप संधि हो जाएगा, ठीक है। निरोत्तम भवतः में कौन सा संधि है, तो पूर्व रूप संधि है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी से, 35 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, तो शरद ऋतु में मनाया जाता है, तो 35 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा एकदम, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न देखिएगा, पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटना नगर की पालिका देवी कौन हो जाएगा, पटन देवी हो जाएगा, पटना नगर की पालिका देवी कौन हो जाएंगी, तो आपका है ना पटन देवी हो जाएगा, याद रखेंगे, आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी से कह रहा है, अलस कथा के रचयिता कौन है, तो अलस कथा के रचयिता कौन है, तो 37 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, विद्यापति, क्या हो जाएगा, विद्यापति हो जाएगा, विद्यापति मैथिली कवि थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर प्रश्न का, अलस शाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे, तो 4 लोग नहीं भागे थे, कितने लोगों ने भागे थे, तो 4 लोग नहीं भागे थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए आप सभी से प्रश्न कर रहा हूँ, 39 नंबर, संसार में बच्चों का संचार रक्षक कौन होता है, तो संसार में है ना बच्चों का संचार रक्षक कौन होता है, तो 39 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा, ठीक है, माता करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 40 नंबर प्रश्न कर रहा है, ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवित ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है, ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवित ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है, तो 40 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, चतुर्विंशति, क्या हो जाएगा, चतुर्विंशति करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न आप सभी
जो देखिए करा है, याग्निक की पत्नी कौन थी, याग्निक की पत्नी कौन थी, तो 41 का आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, को हो जाएगा मैत्री, क्या हो जाएगा मैत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न देखिए आप सभी से कह रहा, भारत माता में किसका लेखिका का उल्लेख मिलता है, भारत माता में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, भारत माता में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, तो 42वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुलभा मिथिलेश कुमारी मिश्रा विजयांक सुलभा का हो जाएगा, ठीक है। 42 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप सभी कह रहा है, 43वां प्रश्न क्या कह रहा है, नरकस्यम का संधि विच्छेद क्या होगा, नरकस्यम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपका है ना 43वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 43 का करेक्ट आंसर आपका ख हो जाएगा, नरकस्य एकदम, क्या हो जाएगा, नरकस्य इंदम, ठीक है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न देखिए कह रहा है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पाठ से संकलित है, तो आपको है ना 44वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या लगा कर आना है, करेक्ट आंसर आपको भागवत पुराण से लगाकर आना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी से, 45वां प्रश्न कर रहा है, जन्म पूर्व संसार यानी जन्म से पूर्व पहले कितने संस्कार होते हैं, तो 3, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा 46वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि शपथ पदवी क्रिया किस ग्रंथ का अंश है, शपथ पदवी क्रिया किस ग्रंथ का अंश है, तो 46वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गौ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। 47वां प्रश्न देखिए कह रहा है, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है, तो 47वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, महाभारत के, क्या हो जाएगा, महाभारत का हो जाएगा। 48वां प्रश्न देखिए आप सभी से पूछा हुआ है, धर्म की रक्षा किससे होती है, तो धर्म की रक्षा जो होता है ना, यह मेरे प्यारे बच्चों धर्म की रक्षा किससे होता है, तो 48वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सत्य से होता है, किसका, सत्य से। 49वां प्रश्न देखिए, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है, मंदाकिनी पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है, तो 49वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, अध्यवाका कांड से, ठीक है। 50वां प्रश्न का, विधा प्लस एका के संधि कौन सा संधि बनेगा, तो विधा प्लस एका अगर मिलेगा तो कौन, तो विधवका बनेगा, ठीक है। आपका है ना 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके ये सारे सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न का है ना, मैं तो सारा प्रश्न करवा ही दिया हूँ, इसका भी PDF और सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का और सब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी मैं गाइड यानी गेस करके क्वेश्चन दिया हूँ संस्कृत का, उन सबका है ना PDF देखना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में अगर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पिन है तो वहां से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, या टेलीग्राम को आपको खोल लेना है, ठीक है। टेलीग्राम को आप लोग जैसे ही खोलेंगे आपको क्या करना है, टेलीग्राम को खोलने के बाद आपको इस सर्च वाले आइकन पे क्या करना है, चैनल नेम सर्च कर लेना है, जिस चैनल पे आप लोग वीडियो देख रहे उसी चैनल को आप लोग यहां पे सर्च कर लेंगे, ठीक है। जो नए बच्चे होंगे ज्वाइन होंगे उसके लिए तो बहुत बढ़िया, जो नहीं है वो क्या करेंगे चैनल नेम को सर्च करेंगे, और चैनल नेम को जैसे ही सर्च करेंगे यहां पे आपको ये चैनल दिख जाएगा, ठीक है। ये चैनल दिखेगा, आपको क्या करना है इस चैनल पे क्लिक कर लेना है, और जैसे ही आप लोग इस चैनल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इस चैनल पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे हमारे ऑफिशियली वेबसाइट पे यानी ऑफिशियली चैनल पे, तो आपको यहाँ पे ज्वाइन वाले ऑप्शन मिलेगा, सबसे पहले आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए नॉन हिंदी वाले बच्चों का डाल दिया गया है, प्लस में संस्कृत वाले के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जितने भी आउट क्वेश्चन था, इसमें निबंध भी बता दिया हूँ आपको, लेख भी बता दी हूँ सारे प्रश्न, अगर इसको आप लोग केवल देख कर जाते हैं एग्जाम में तो गारंटी देता हूँ सब्जेक्टिव में एक भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, इससे आपका 50 का मार्क्स का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 50 मार्क्स नहीं भी क्लियर हो तो 45 से है ना 40 नंबर तो आपको इसी PDF से रहेगा, 100% गारंटी, ठीक है। तो आपको इन सारे प्रश्नों का देख भी लेना है ये सबको, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक ले जय हिंद जय भारत, थैंक यू।